कोरबा में पूर्व एसी ट्राइबल की मुश्किलें बढ़ गई है। ईओडब्ल्यू ने श्रीकांत दुबे के खिलाफ जांच की मांग की है। डीएमएफ के बतौर नोडल अधिकारी रहते हुए दुबे द्वारा की गई गड़बड़ी पर शिकायत हुई थी। शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद शिकायत प्रथम दृष्टता सही पाई गई। आदिवासी विकास विभाग के पूर्व सहायक आयुक्त श्रीकांत दुबे को डीएमएफ का नोडल अधिकारी बनाया गया था। नोडल अधिकारी रहते हुए खुद के विभाग सहित अन्य विभागों के कार्य में भी कई वित्तीय गड़बड़ियां की गई थी। इस मामले की शिकायत जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जायसवाल ने सीएम से पाली महोत्सव के दौरान की थी। सीएम ने जांच के लिए ईओडब्ल्यू को अग्रेषित कर दिया था। एमएमडीआर एक्ट में जो संशोधन करके जिला के निर्णय उसका गठन किया गया है, लगता था वो कानून जो लाया गया था वो भूस्थापितों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जिनका जमीन गया है उसके लिए पहले फायदेमंद होगा करके, लेकिन उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। तो दो महीने पहले करीब मुख्यमंत्री के प्रवास पर, कोरबा जिले के प्रवास पर, नियम की शिकायत की थी मैंने कि उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है और काफी निमताएं हुई हैं, बिना न्यूजा के टेंडर कर दिए गए हैं, और जिन नॉर्म्स में डीएमएफ का खर्चा होना चाहिए, जो गाइडलाइन है, उनको पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। इन सब बातों को लेकर मैंने एक शिकायत मुख्यमंत्री जी की थी, इसकी जांच ईओडब्ल्यू से की जाए। पूर्व डीएमएफ के पूर्व प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत अलग अलग फोरम से प्राप्त हुई थी और शासन स्तर से भी इसमें जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।